शांतिनगर से डिप्टी सिग्नल तक निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के गड्ढे में गिरने से एक बालक की मौत हो गई। गुरुवार की शाम को हुए इस हादसे से डिप्टी सिग्नल परिसर के लोगों में रोष है। दमकल की मदद से करमना पुलिस ने बालक का शव बरामद किया है। आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण भी दर्ज किया गया है। गड्ढे में गिरे बालक का नाम पृथ्वी धनीराम मारकड़े, उम्र 12 साल है। वो डिप्टी सिग्नल स्थित पुंजाराम वाड़ी निवासी है। पृथ्वी शाम को परिसर के ही बैरागवाड़ी में हम उम्र बच्चों के साथ खेल खेल रहा था। खेलते समय बच्चे पास के गड्ढे में तैरने के लिए उतरे। किसी को भी तैरना नहीं आता था। इस दौरान पृथ्वी गड्ढे में कीचड़ होने से फंस गया। बाकी बच्चों ने उसे बचाने के लिए शोर मचाया। किसी ने महिला पार्षद के पति ईश्वर कावरे को इसकी सूचना दी। कावरे की सूचना पर दमकल और करमना थाने की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 1.5 से 2 घंटे खोजबीन के बाद पृथ्वी का शव दमकल के हाथ लगा। मेयो अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। गौरतलब है कि यह गड्ढा शांतिनगर से डिप्टी सिग्नल तक जाने वाले अंडरब्रिज के लिए खोदा गया है। गड्ढा लगभग 10 से 12 फीट गहरा है। लगभग 1 वर्ष से इसका काम बंद है। ऐसे हादसे से बचने के लिए क्षेत्र के लोगों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने अथवा गड्ढा पाटने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं देंगी। धनीराम और उसकी पत्नी राधिका मजदूरी करते हैं। बच्चा गड्ढे में गिरने की खबर सुनकर वो आनंद फानंद में मौके पर पहुंची, लेकिन इस बीच राधिका बेहोश हो गई। लोगों ने उसे पानी पिलाया और अस्पताल ले गए। माँ और पिता दोनों की हालत गंभीर नहीं है। दोनों भी खतरे से बाहर है, मात्र उनका बच्चे की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।